ये 9000। इजी पैसा का गवर्नमेंट का पता नहीं क्या हो रहा है। वो एक जगह जमा करवाना था, वो फाइनेंस के फाइनेंस के आने में सारे नहीं हो रहे, नहीं नाम नहीं आ रहा, तो पैसे फिर डिफिकल्टी हो गई थी। लाओ मैं करता हूँ। वो कह रहे थे फैसल चाचू ने बाहर जाना है, फिर वो गए भी नहीं। मैं फिर बाइक पे, मैंने कहा चलो बाइक बाहर ही खड़ा रहता है। अब वो गाड़ी पे जाना है, बाइक पे नहीं जाना। आ जाओ। मैंने एक मंगवाया था कल पार्सल, ये वाला डायरेक्ट चाइना से आया हुआ, मतलब कि द्राज वाले ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट वहाँ से आया। और इसको मैं खोलूँगा बाहर। मेरे काफ़ी सारे पैसे बाहर रुके हैं लोगों की तरफ, मतलब के दुकान पे, तो वो कुछ रिकवर करने होते हैं, तो फिर वो लोग ना तंग कर रहे होते हैं हमें, हम भी लोगों को तंग कर रहे होते हैं। सेम सिचुएशन चल रही होती हैं। तो वो एक आंटी हैं बड़ी डैडी किस्म की, डैडी समझते हैं, यू नो डैडी होता है, मतलब कि बहुत ही हैवी किस्म की। वो हमें बल्ले करा रही हैं, तो उनकी तरफ जाना है। आओ फिर जी, हो गए वो ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन नेम नहीं आ रहा अभी, वो चेक करवा लेते हैं कुछ। यार नाम ना भी है कोई उसमें, लेकिन वो असल में ट्रांजैक्शन मैंने नहीं ना करनी है, किसी और से करवानी है, बच्चों ने करनी है। तो फिर तो वो अपने अपने स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे ना भाई? हाँ वो तो भेजेंगे, गाड़ी से अपनी वो जो आईडी होगी वो भेज देंगे, बस इतनी सी बात है। चले देख, टेंशन कोई भी नहीं है। अच्छा सुबह सुबह तो उठ गए, काम क्या करने जा रहे हैं आज? और यार काम कब सा रहे हैं, काम मैंने आपको बताया ना अभी, नहीं आपको नहीं बताया, इनको बताया है। वो एक आंटी से पैसे लेने हैं सबसे पहले, उसके बाद शॉप पे एक बिल बनाना, रात बताया था जिसका। हाँ सही सही, वो वाला बिल बनाना है। और अड्डे पे कुछ सामान आया हुआ है, वो गाड़ी में रखना है, इसलिए तो गाड़ी पे जा रहे हैं, तो बाइक पे चले जाते हैं। तो जुम्मा ये टाइम पे हो जाएगा पूरा? अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:32 हो गए। 10:32 हो रहे हैं, हाँ इंशाल्लाह टाइम पे हो जाएगा। पहले कर लेते हैं ना अड्डे से सामान उठा के ना शॉप पे चलते हैं, उधर रख देते हैं और उधर बिल बनाते हैं। बिल बना के फिर उस बंदे के पास, आंटी के पास चलते हैं, और आंटी के पास से होके तो फिर घर को आ जाएंगे। क्या ख्याल है? सही है। और अगर टाइम बच गया तो हमने अपना स्पेशल कमरा भी साफ करना है। ओह काफ़ी गंदा हो रहा है, वो करते हैं साफ। दूसरा अड्डा है, और इधर भी कह रहे हैं अभी गाड़ी नहीं आई, और लारी अड्डे में खड़ी है अंदर, दफ्तों के नीचे हमेशा वहीं से लेते हैं, फिर उधर चलते हैं। कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है टायर फटा हुआ शायद। लारी अड्डे के अंदर से मिलेगा पहली पार्सल। कहाँ से मिलेगा? लारी अड्डे के अंदर से। वो कौन सा? ये आगे इधर, वो जहाँ से बस निकल रही है ना। नहीं वो बस तो निकल रही, लेकिन इतना रश क्यों हुआ? रोड खराब हो रही है, रोड बन रही ना इसलिए। अच्छा अच्छा, अभी हमें बस ढूंढनी पड़ेगी। 588 588 588, वो नहीं करी, ये रही सामने, मिल गई है बस। अस्सलाम वालेकुम, ये किधर गए हैं? पार्सल आया होगा। क्या चीज़ है उसे? ये वॉल कवर सेट है। कार्टन होगा? कार्टन होगा ये। राड भी है इसके साथ? इसके राड भी हैं। वैसे बिल्टी तो नहीं लगी हुई इस पर? इसी के साथ के हैं। ये नाम लिखा हुआ है? हाँ जी हाँ जी, चीज़ यही है। हाँ जी यही है। बिल्टी नंबर नहीं दी हुआ? अच्छा मतलब लिखा नहीं है ना, है यही पहले लिखा हुआ है। फैजी आप ये चल के गाड़ी खोलो, मैं ये उठवाता हूँ, ये ज़रा रखवा देंगे मेरे साथ गाड़ी में। हो गया, आप चेक करेंगे? आ गए हैं। चल हमारे पैसे खुले नहीं थे, हमने लोड भेज दिए अंकल को। हो गया, चलें शुक्रिया, आ जाओ फैजी ये निकालें। काम हो गया, अब रह गए हमारे बिल। फैजी वो ब्रेकर ऑन करोगे ना? ऊपर नीचे करो ब्रेकर, लाइट नहीं है लगता है। आ जाओ, लाइट नहीं है, साइड से लगा।
चेक कर लेना लॉक अच्छे से। अरे भाई तुम तो संभल जाओ कहीं पे, ये बिल वाला काम हो गया। जब से पेट्रोल महंगा हुआ था ना, तब से मैंने अपनी टैंकी फुल करवा के रखी हुई थी, लेकिन आज वो करीब एंड पे जा रही है और मेरे दिल को बैड फील हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं नहीं उस तरफ इधर आओ, छोड़ दो, उधर से छोड़ दो, लगाओ। हाँ जी, तो मैं बात ही कह रहा था, जब से पेट्रोल महंगा हुआ था ना, तब से मैंने टैंक अपना फुल किया हुआ था, और अभी जो है ना मुझे उसका बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि टैंकी खाली हो गई है। आज मैं फिर रिफिल करवाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करवाता हूँ ताकि फिर महसूस ना हो। कैसे फैजी? गर्मी। हम भाई उस डाडी आंटी के घर पहुँच गए, और अभी देखना वो क्या इतनी बातें सुनाती है, पैसे भी देने रहते, गल्ला भी सुनाती है, क्या गुल खिलाई है इसके, तो ऐसी की तैसी। आ जा फैजी, यहाँ बैठो बस। ये 9,000 और अगले महीने आपके पैसे खाते, ठीक है? मैंने कहा था ना, मैंने कहा 2 महीने में दूंगी किस्ते। अच्छा मैं वो ना आपके बाकी बच गए 8,000 बच गए, 17 कुछ था जी जी 8,000। ये 5 तारीख को आपको महीने ये आप आगे ले जाइएगा अगले महीने, ठीक है? जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, आपने इतना इंतज़ार किया। चलें, ठीक है बच्चे। दीदी बस आदत नहीं है गिनने की। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, 9,000 मिल गए। भाई ये कोई 2-3 महीने से रुके हुए थे फैजी साहब, क्या बात है। आंटी तो ऐसी मुस्कुराहट दे रही थी कि भाई यार शुक्र है काम हो गया ये वाला। 17,000 तो 2 महीने से रुके थे, चलो अब 9,000 मिल गए ना यार। बाकी कहती है बेटा अगले महीने दे दूंगी, मैं कहा ओके करो, ये मेरा दूसरा काम था आज का। अच्छा जा रहा है, अच्छे जा रहे हैं भाई। तीसरा काम, तीसरा कैसे भाई? बिल बनाया, वो शिपिंग ली और ये वाला। बिल्कुल तीसरा काम, मज़ा आ गया। चलो भाई अब हमारा जो है ना पेट्रोल डलवाना लाजमी है, थोड़ा सा पेट्रोल डलवा रहे हैं। टैंक फुल हो जाएगा ना तो दिल को तसल्ली होती है, दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये वो भी लाजमी है, कोई ऐसा शेर मेरे दिल में नहीं आ रहा। दुकान क्लोज है जिससे हमने यहाँ पे भी पैसे लेने हैं, और मैं सोच रहा हूँ मोबाइल का प्रोटेक्टर चेंज करा लूँ। कैसा है ममदी? और भाई कैसे है, ठीक है? पहचान ले रहे अली किधर है, कैसे है? ठीक है, तबीयत ठीक है। अली कहाँ जाएगा? हम तो घर। अस्सलाम वालेकुम। मैं यार अभी प्रोटेक्टर चेंज करवाने लगा हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा। किधर लग जाएगा अभी वो देखता हूँ ना, कितनी देर लगती है यहाँ पे? देर नहीं लगी, प्रोटेक्टर तरह मैं लगवा दूँगा। अरे कहाँ से, फ्री में? यार मैंने ना इधर जाना है, मिला चौक तक मैंने जाना काम। अच्छा फ्री लगवा के देगा? यार फ्री लगवा दूंगा मैं, दे दूंगा। नहीं नहीं तू ना दे पैसे, चलो मैं आता हूँ प्रोटेक्टर लगवा के। कितनी देर तक? 10 मिनट में। ये हमारा नबीना क्लास पहले मेरे साथ हिप्स करता था, और ये मैं इसको 5 साल बाद मिलूँ ना तो मेरी आवाज़ पहचान लेता है और कहता है जी अली भाई क्या हाल है, ठीक है? ये भाई ऐसा फनकार है, इसको माशाल्लाह सब पता चलता है। आगे किसी से लगवा लेते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर से लगवा के ऊपर से निकल जाएंगे। आज है जुमा और जुमे वाले दिन सारी शॉप बंद होती। किसे फ़ोन कर रहे हैं यार? वो मुर्गी वाले को मुर्गी का कहना है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। आया होगा इब्राहिम? हाँ आया हुआ, लेकिन वो मेरे लगता है घर जाके कहना पड़ेगा। सर जी 2 किलो गोश्त, फोन नहीं उठा रहे थे आप। क्या कह रहे हो? मेरी कैब तो दे दो मुझे, कैब तो दे दो मुझे वापस। पानी पिलाओ भाई, प्यास लग रही है।
कैसी चलें वो ड्राइंग रूम कर लें साफ, टाइम कम है, चलें चलो चलो ठीक है। ये मेरा सूट किसने प्रेस किया है? जुम्मे की तैयारी तो पहले से हुई हुई है। यार वो चाबियाँ किधर हैं ड्राइंग रूम की? मैंने उसको सफाई करनी है, मैं सफाई करके आता हूँ। ये लो ये मुर्गी दिया अंदर। सफाई हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है और मैंने अपना वो बैग भी अनबॉक्स करना है, उसमें देखना है कि आया क्या है। बस ये वॉशरूम थोड़ा सा रह गया, इसको करके तो फिर हम नहाते हैं जी। अच्छा ये पूछ के आओ कि मोटर चलाई थी? ये ना हो कि पानी ख़त्म हो जाए, अभी हमने नहाना भी है। अभी फुल की थी? हाँ। बस फिर ठीक है फैजी, फिर कोई टेंशन नहीं है, पानी फुल किया है, टैंकी भरी हुई है, बस इधर ही नहा लेते हैं, क्या ख्याल है? फैजी के लिए पानी ख़त्म हो गया, लाइट ही नहीं है, मेरे कपड़े प्रेस थे, मैं अभी बस नहा लिया है, ओके सोके काम पूरा हो गया है, मैं जुमा पढ़ लूँ। फैजी फिर तुम जुमा पढ़ के आ जाना, जुमा पढ़ के कहना ओ शुक्र है लाइट आ गई। कपड़े प्रेस करवा दे तुम अंदर से जल्दी से, चले करते हैं बैठा, तुम नहा लो ना जल्दी से, मैं मोटर चलाता हूँ, तुम जाओ। साहब जुमा नहीं पढ़ा? अरे बड़े कच्चे चच्चे पाए थे यार, वो दही बोले लेने जाने चले। दही बोले नहीं आए? दही बोले लाओ भाई, दही बोले। भाई चावलों का तो आज बड़ा मज़ा आया, कैसा मज़ा आया फैजी? वेलकम भाई। फैजी यार वो गाड़ी की चाबी में लाया नहीं, उसमें पड़ा है मेरा वो पार्सल, चले ले आओ। ओके खोलें इसको, नहीं नहीं मैंने खा लिया, मैं खा चुका हूँ, इसको खोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने मंगवाया क्या है, ये एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, अगर ये काम का हुआ ना तो हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। कैसे फैजी? बहुत सही, बस वाह भाई वाह, पार्सल पार्सल का इसके साथ माउंट होना चाहिए, बस माउंट है। अरे वाह भाई वाह, हम हो गए कामयाब एक दिन। फैजी बड़ी काम की चीज़ मिली है, अब ये काम कर जाए फिर सही पैसे पूरे होने हैं हमारे, सही पैसे हलाल होंगे हलाल। देखो भाई पार्सल तो खुल गया और पार्सल में वही है, अब आगे आपके मोबाइल का फॉल्ट के पिक्स होना हो, उन्होंने तो अपना काम कर, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये जी ये है एक माउंट, इसको ये पकड़ो खोलो। वाह भाई वाह, ये माउंट है ठीक है, और ये मेरे ख्याल से ब्लूटूथ है नहीं, जो नहीं। वीडियो ऑन करने ऑन ऑफ करने के लिए होगी, और ये और एक ये है जी जो हम लगाएंगे अपने 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 हेलमेट के आगे, और फिर जब हम बाहर निकलेंगे बाइक पे और इससे हम बना सकते हैं अपना मोटो व्लॉग, तो पहले इसको अब बना के देखते हैं कि ये बनता है कि नहीं। ओके ओके ये हमारा मोटो व्लॉग वाला हेलमेट तैयार हो गया है, क्या बात है। ओके ओके अब आया कि ये देखते ना काम करता है कि नहीं करता। तो अब इसके बाद जो व्यू आने वाला है ना वो इसके आगे मोबाइल लग के फिर आने वाला है। भाई देखो बात है सीधी, GoPro वाले जितने पैसे तो अपने पास हैं नहीं कि हम 1 लाख का GoPro लें, GoPro तो जुगाड़ हम कर रहे हैं, अब इसके साथ माइक अटैच करेंगे, जुगाड़ करके फिर देख लेंगे कैसा व्यू देता है ये। अभी व्यू जो आएगा वो आएगा इसके आगे से, ठीक है। सलाम, कैसे हो अब्दुल्ला? ठीक हो? तबीयत ठीक फिट फाट? क्या हाल है भैया? मत ठीक हो? सब खैरियत है?
मेहमान आ गए हमारे दो दो ये चेक करो यार बेहतरीन बेहतरीन हमने कहा यार GoPro जितने पैसे तो है नहीं मोबाइल जितने तो हैं ये भी खराब हो गया फैजी के छिले में पट आ रहा हूं छिले में पट कोई बात नहीं फैजी वैसे ही छिला हुआ है सारे का सारा वाह भाई वाह फैजी ऑन हो गया यार हेलो अब्दुल्ला यार मजे का यार अब ये बाइक को पता लगेगा बाइक है कैसा बाइक पे चेक करें बाइक पे चलो ये हिला उड़ गया फिर मोबाइल है मोबाइल नहीं जाता यार मोबाइल नहीं जाता बात ये है कि स्टेबिलिटी होगी इसको टाइट करना पड़ेगा इसको इसके साथ गिम्बल नहीं लग सकता यहाँ पे किसी तरह गिम्बल नहीं लग सकता ये है कि इसके साथ वो आईफोन 13 प्रो मैक्स ये वैसे आप पकड़ो गेट खोलो चेक करते हैं इसको हाँ जी तो ये जी फाइनली हमारा लग गया आगे और मोबाइल से अपन जो है ना अपना मोटो व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया कि कैसा होता है वैसे आ जाओ हवा के उसके मतलब कि आवाज़ के लिए अभी हमें वो करना पड़ेगा जो है ना इसको कहते हैं माइक लगाना पड़ेगा रिपोर्ट है बेहतरीन है लेकिन ये कि थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे मतलब कि थोड़ा सा नीचे का कह रहा था यहाँ तो कैमरा शायद नीचे है नीचे वाली साइड पे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसको भाई हमारा व्लॉग अपलोड होने लगा है और बस ये करीब एंड एंड वाला है आज वाला व्लॉग जो है हम कल अपलोड करेंगे और जो हैदर के आने वाला व्लॉग था हम अपलोड कर रहे हैं भाई अभी अभी हम आ रहे हैं बाहर से और अब्दुल्ला भी चला गया घर हमें भूख बहुत लग रही है खाना खाना है तो आज का व्लॉग देखो यार आज का व्लॉग जो है ना आपने थैंक्स पूरा देखा मेरा अब जो है ना माइंड चेंज होगा मैं सोचाऊंगा डेली व्लॉग बनाएं और डेली अपलोड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिले तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हमारा ये जो ये आया है ना ये बड़ा कमाल का है तो इसके पैसे बात पूरे हो गए हमारे कैसे फैजी तो फिर मिलते हैं कल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़किधर आपने वॉलेट उठा ली है घिस जाएंगी चीज़ें नो ओ आपको भी इतने सारे पैसे पसंद आते हैं कितनी बुरी बात है आजो आजो इधर आजो इधर आजो इधर आजो इधर आजो कोटी की भी आपने पहले आ रही हैं आपसे